वेलकम टू माय चैनल काव्याज वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, उसके मीनिंग्स में, मतलब बेसिकली मैं उसकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो में ये बिल्कुल ही पिक्टोरिकल पिक्चर वाली स्टोरी है जो कि बहुत ईजी है। तो मैं, ये है हमारी स्टोरी का नाम और जो स्टोरी है बुक है बेसिकली, तो इस पूरी बुक में ये एक ही स्टोरी है जो कि बहुत अच्छी है और शायद आपने सुनी भी होगी। और चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट। हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है द क्रैब एंड द क्रेन। तो क्रैब हमें पता है, क्रैब मतलब कि जो केकड़ा होता है वो, ये रहा क्रैब, इसको हम कहते हैं। और नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन मतलब कि ये जो होता है हंस टाइप आप कह सकते हो, इसको हम कहते हैं क्रेन। हम सबको बहुत आसानी से पता है। तो द क्रैब एंड द क्रेन, सो ये किसकी एक उसकी कहानी है और एक क्रेन की कहानी है, मतलब इन दोनों की ये कहानी है। तो इस पेज कवर से हम देख सकते हैं ये स्टोरी कितनी अच्छी होने वाली है। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी में जैसे ही हम ये पेज खोलते हैं हमें ये दिखता है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आप और अच्छे से देख पाए। वैसे तो दिख रहा है पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। सो द क्रैब एंड द क्रेन हमें यहाँ पे, क्योंकि पहला पेज है तो यहाँ पे टाइटल दे दिया गया है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अ कनिंग ओल्ड क्रेन लिव्ड बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। तो कनिंग मतलब कि एक चालाक पर्सन, तो कोई भी हो सकता है वो। तो यहाँ पे कनिंग मतलब कि कनिंग मतलब चालाक ही होता है, तो यहाँ पे नहीं। ओल्ड मतलब कि बूढ़ा, ठीक है। क्रेन तो हमें पता ही है ये कौन है, ये क्रेन है। लिव्ड मतलब कि रहता था बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड, तो कहाँ, बाय द साइड मतलब कि पास में, किसके, तालाब के पास में रहता था। तो अ कनिंग ओल्ड क्रेन लिव्ड बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। तो चलिए हम अब अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज में क्या है, तो जैसे मैं अपना नेक्स्ट पेज करती हूँ तो इसमें हमारे पास ये आता है, मैं आपको छोटा करके दिखा देती हूँ जिससे आपको दोनों पेजेस एक साथ दिख जाएं। सो ये इसमें है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं इसमें क्या है। वन डे ही सैडली स्टूड बाय द पॉन्ड, द फिश आस्क्ड हिम व्हाई डू यू लुक सो सैड। तो वन डे मतलब कि एक दिन, ही सैडली मतलब दुखी होके, स्टूड मतलब कि खड़ा हो गया, बाय द पॉन्ड मतलब कि वही पॉन्ड के पास में वो खड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट है द फिश आस्क्ड हिम व्हाई डू यू लुक सो सैड। तो फिश ने क्या किया, आस्क मतलब कि उसने पूछा, हिम मतलब उसे, किसे पूछा, क्रेन को पूछा, व्हाई डू यू लुक सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। लुक मतलब कि दिख रहे हो और सैड मतलब कि दुखी। तो इसके मीनिंग्स मैं यहीं पे लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसे क्लिक करोगे तो आप मेरे इसकी पीडीएफ पे जा सकते हो। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे कुछ इस तरीके से है और इसमें हमें ऐसा दिख रहा है कि क्रेन क्या कर रहा है, वो रो रहा है और फिशेस परेशान हो रहे हैं। अब देखते हैं स्टोरी अब आगे क्या होगा। I have heard that this pond is going to be filled up with mud soon. All the fishes will die. The crane started crying. तो अब हम इसके मीनिंग देख लेते हैं कि इसके मीनिंग क्या होंगे। तो
आई हैव हर्ड, हर्ड मतलब कि सुना है, दैट दिस पॉन्ड इज गोइंग टू फिल अप. तो दैट दैट मतलब कि ये पॉन्ड, पॉन्ड तो हमें पता है, ये पॉन्ड मतलब कि तालाब, ये दिस मतलब कि ये पॉन्ड भरने वाला है, गोइंग टू फिल अप मतलब कि भरने वाला है विद मड सून. तो मड मतलब कि मिट्टी और सून मतलब कि जल्द ही ये भरने वाला है. क्या भरने वाला है? ये जो तालाब आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जल्द ही भरने वाला है. ऑल द फिशेस विल डाई, द क्रेन स्टार्टेड क्राइंग. तो उसने फिर क्या कहा, सारी मछलियां मर जाएंगी. डाई मतलब कि मर जाएंगी. द क्रेन स्टार्टेड क्राइंग, तो जो क्या क्रेन क्या करने लगा, वो रोने लगा, राइट. तो इसके भी मीनिंग्स मैंने आपको लिख रखे हैं, जैसे पिछले के लिखे हुए थे. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे इस तरीके का सीन हमें दिखता है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं. द फिश गॉट स्केयर्ड, प्लीज टेक अस टू द अदर पॉन्ड, दे रिक्वेस्टेड द क्रेन. द क्रेन हैप्पीली अग्रीड. तो ये अब इसके मतलब हम देखते हैं. द फिश गॉट स्केयर्ड, तो फिश क्या हो गई, वो स्केयर्ड हो गई, डर गई वो. प्लीज टेक अस टू द अदर पॉन्ड, अदर पॉन्ड मतलब कि दूसरे पॉन्ड में हमें लेके चलो. दे रिक्वेस्टेड द क्रेन, रिक्वेस्टेड मतलब कि क्रेन को, रिक्वेस्टेड मतलब कि क्रेन को उसने विनती करी उसने, ठीक है. तो फिशेस ने क्या करा, क्रेन से विनती करी. द क्रेन हैप्पीली अग्रीड, तो क्रेन ने क्या किया, वो हैप्पी, हैप्पीली मतलब कि उसने खुशी खुशी वो मान गया. तो ये इस कहानी में कि मतलब इस पेज में है कि वो डर गई मछलियां और उसने कहा कि मतलब उसे हैप्पीली अग्री कर लिया. अब नेक्स्ट है, ही सेड दैट ही वुड टेक देम वन बाय वन. द क्रेन स्टार्टेड मेकिंग द ट्रिप्स. तो इसका मतलब क्या होगा, ही सेड दैट ही वुड टेक देम वन बाय वन. तो सेड मतलब कि उसने कहा कि वो उन्हें वन बाय वन लेके जाएगा. वन बाय वन मतलब कि एक एक करके उन्हें वो लेके जाएगा. किन्हें लेके जाएगा, वो फिशेस को वो एक एक करके लेके जाएगा. मतलब जो भी एनिमल्स, फिशेस को ही नहीं, जितने भी जीव जंतु कोई भी कीड़े मकौड़े होंगे, वो उन्हें एक एक करके दूसरे तालाब में छोड़ के आएगा, उसने ऐसा कहा. द क्रेन स्टार्टेड मेकिंग ट्रिप्स, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि वो समझाने वाला है. तो क्रेन ने क्या किया, वो शुरू हो गया क्या बनाने, मेकिंग ट्रिप्स. तो मेकिंग ट्रिप्स मतलब कि वो एक तालाब से दूसरे तालाब में जाने लगा. तो वो सफर को यहाँ पे क्या बोला गया है, मेकिंग द ट्रिप्स के नाम से यहाँ पे बोला गया है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं इस पेज में क्या है. तो इसको पढ़ते हैं और जैसा हमें दिख रहा है ऐसा तो लग रहा है ये मछलियों को खा रहा है. चलिए इसको पढ़ते हैं. He took them to a rock instead, where he ate them. One day, it was a crab's turn. तो ये कैसे हुआ, वो तो उन्हें दूसरे पॉन्ड में लेके जाने वाला था. चलिए आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं. तो he took, तो took मतलब कि वो ले, उसकी मतलब उसको ले जाना, ले गया वो क्या, उनको, them मतलब कि उनको रॉक पर instead. तो instead मतलब कि उसे तालाब में लेके जाना था, लेकिन वो इधर ले आया, ठीक है. तो रॉक, तो वो कहाँ ले आया, वो रॉक पर ले आया. रॉक मतलब कि जो बड़ा पत्थर होता है उसे रॉक बोलते हैं. वे ही एट देम, तो वे मतलब यहाँ पे क्या है, जहां पर एट, एट मतलब कि उसने उसे उसने खाया
उन्हें, उन्हें मतलब कि किन्हें खाया उन्होंने, मछलियों को खाया इस क्रेन ने। वन डे इट वॉज अ क्रैब्स टर्न, तो वन डे एक दिन वो किसकी टर्न थी, क्रैब की टर्न थी। क्रैब मतलब कि वो जो केकड़ा होता है, तो उसे उसकी बारी थी जाने की एक दिन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हुआ। द क्रेन फ्लू विद द क्रैब टुवर्ड्स अ रॉक। द क्रैब सॉ हीप्स ऑफ फिश बोन्स देयर। तो ये हुआ, तो वो जब आ रहा था उसने क्या देखा, इतनी सारी मछलियों की बोन्स उसने यहाँ पर देखी। तो इसका मतलब हम अब देख लेते हैं। द क्रेन फ्लू, तो क्रेन फ्लू, फ्लू मतलब कि वो उड़ा विद द क्रैब टुवर्ड्स द रॉक। तो क्रेन क्या करा, वो इस तरीके से उड़ा कहाँ पे, जो रॉक था जहां पे वो सारी मछलियों को खा रहा था वहां पे वो उड़ा। तो क्रैब मतलब केकड़ा, और टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब कि वो पत्थर की तरफ उड़ा। ठीक है, गया वो उस तरफ, तो टुवर्ड्स मतलब कि तरफ या उस तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है द क्रैब सॉ हीप्स ऑफ फिश बोन्स देयर। तो क्रैब ने सॉ, सॉ मतलब कि उसने देखा, हीप्स, हीप्स मतलब कि ढेर, किसका ढेर, फिश बोन्स का ढेर। फिश बोन्स मतलब कि मछली का जो मछली का जो हड्डियां होती हैं, क्योंकि हड्डी तो कोई खाता नहीं है, मछली की जो हड्डियां होती हैं उसने वो वहां पे पड़ी हुई देखी, है ना। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा और ये क्या हो रहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं जिससे हम जल्दी से देख पाए कि इसमें क्या होने वाला है। The crab was clever and came up with a quick plan. Quick plan, ठीक है, quick plan. He dug his sharp claws into, तो ये into है, shadow आ रही है, into the crane's neck. तो उसने क्या किया, अपनी sharp claws कहाँ करी, उसके neck में dug कर दिए। अभी मैं आपको समझाती हूँ meanings लिखकर, तो चलिए जल्दी से meanings लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है, क्रैब क्या था, क्लेवर था, चालाक था, और उसे क्या किया, वो केम अप विद अ क्विक प्लान। केम अप मतलब कि वो आ गया, मतलब उसे अच्छे से आइडिया आ गया बहुत जल्दी से। ठीक है, ही डग शार्प क्लॉज इनटू द क्रेन्स नेक। तो डग मतलब कि उसे से चुभा दिए, घुसा दिए, क्या, अपने शार्प क्लॉज, नुकीले क्लॉज, क्लॉज मतलब उसके जो पंजे थे, राइट, कहाँ पे, क्रेन के नेक में। तो अब हम चलते हैं इस स्टोरी के लास्ट पेज पर। तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा करती थी क्योंकि लास्ट पेज है और एक ही पेज है इसलिए। तो द क्रेन फेल डेड एंड द क्रैब वेंट बैक टू द पॉन्ड। तो क्रेन क्या हो गया, वो मर गया, और क्रैब कहाँ चला गया, वो वापस उसी पॉन्ड में चला गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सब झूठ है, राइट। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है, नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। तो किसी को भी अंधे होकर मत ट्रस्ट करो, मत बिलीव करो, मत उसको आप कहोगे विश्वास करो, क्योंकि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ये थी ये स्टोरी, और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इस तरीके की स्टोरीज अगर आपको चाहिए, और क्योंकि ये ऐसी स्टोरी मैंने अपने चैनल पे पहले ही डाली है जो कि एक पूरी बुक में हो, तो फुल पिक्चर वाली, तो अगर आपको इस तरीके की स्टोरी चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर इस तरीके की और वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।